नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिंह राशि वालों की वो सच्चाई बताएंगे, आपके जीवन में क्यों इतने दुख आ रहे हैं, क्यों परेशानी आ रहे हैं। मुंह को बंद करके रखना पड़ेगा सिंह राशि वालों, ये 3 दिन आपको फंसाने का बहुत बड़ी साजिश है और आपको फंसा दिया जाएगा अगर आप लोग गलती करेंगे। और इस वीडियो को जरा सा भी काट पीट कर देखेंगे तो आपको 3 दिनों के अंदर फंसा कर रख देंगे ये लोग। आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके मुंह पर ताला लगाने के लिए मजबूर किया है आपको। 3 दिन आप लोगों को अपने मुंह पर ताला लगा के रखना है, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। ये आपके खास लोग, आपके ही खास लोग हैं। और आपको आज हम आपको जिनके बारे में बताएंगे उनके बारे में आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतना करीबी मित्र आपको इतना बड़ा धोखा और इतनी बड़ी साजिश। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करने आ रहे। मजबूरी थी, आपकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही बेकार थे, जिसमें आपके जीवन से रिलेटेड बहुत ही परेशानियां थी और आपको बहुत बड़े केस में फंसाने की साजिश है। तो ये 3 दिन अगर आप लोग अपने मुंह पर ताला नहीं लगाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आ सकते हैं। दोस्तों, आगे चलकर हम आपको बताएंगे आखिर ये कौन सा दोस्त है आपका जो आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है, क्या चाहता है ये आपसे। दोस्तों, आप लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है, आप अपनी कमी को जानकर थोड़ा सा नाराज भी हमसे हो सकते हैं, लेकिन सच बताना हमारा धर्म है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ सच बताता है, झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। दोस्तों, आप लोगों की एक कमी है और ये कमी है, आप लोग दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आप लोगों को दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आप जो है गड्ढे में गिर जाएंगे और ऐसा आप लोगों को फंसाया जाएगा कि आप उस जाल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, विश्वास करिए पर मतलब भर करिए, हद से ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि लोग जो है सिर्फ अपना देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं लोग, चाहे जितना करीबी मित्र हो, चाहे जितना प्रिय दोस्त हो आपका, चाहे आपका जितना खास रिश्तेदार हो। दोस्तों, जब पैसे की बात आती है तो आपको लात मार देता है वो व्यक्ति। आप तो समझते हैं कि ये हमारा बहुत ही खास है, बहुत ही करीबी है और ये हमारे अच्छे वक्त पर नहीं तो बुरे वक्त में साथ देगा, लेकिन ऐसा आप गलत सोचते हैं। वो आपको कभी साथ नहीं देगा, साथ देगा तो सिर्फ आपका माता पिता साथ देगा जीवन में, और कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप इस समय आप अपने माता पिता से लग कर रहेंगे, उनसे साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, तो आपको फायदा होगा और आपको आगे चलकर नुकसान नहीं होगा। माता पिता से सलाह लें, कोई बिजनेस व्यापार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले माता पिता का सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक पिता वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा इस गलत लाइन में जाए। तो आप लोगों को इस समय अपने माता पिता से सलाह लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको एक बड़े घोटाले में फंसा दिया जाएगा। और 3 दिन तक आप लोगों को चुप रहना है, ज्यादा नहीं बोलना है अपने मित्रों के साथ, नहीं दोस्तों के साथ, सिर्फ मतलब भर का बोलें। दोस्तों, अक्सर आप लोग एक ही गलती करते हैं, विश्वास करना। विश्वास आपको उस व्यक्ति का नहीं करना है जो आपके पीठ में छुरी भोंकना चाहता है। विश्वास करिए मतलब भरे के करिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों में एक बहुत अच्छी खूबी ये होती है कि आप लोगों के दूसरे दर्द को
अपना दर्द समझते हैं और उन लोगों की मदद कर देते हैं, उनका काम बना देते हैं, उनके मुसीबत में आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात आपकी आती है तब वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला जाता है और आपको नहीं समझता है कि तुमने उसकी तकलीफ में जो है मदद किया था, लेकिन मुसीबत में वह आपको उसी जगह पर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ये सिंह राशि वालों की कमी होती है। आप उन्हीं लोगों की मदद करिए जो आपके काम में खड़ा हो। ये जिस तरह दुनिया सिर्फ मतलबी है, अगर मतलबी नहीं बनोगे तो आपको ये दुनिया नीचे रौंद देगी। बात को समझिए और विश्वास करिए लोगों की बातों पर मतलब भर का, और लोगों की मदद करिए पर मदद उस व्यक्ति की करिए जो गरीब है, जो लाचार है, जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है एक वक्त का, और उसको जो है खाने का टाइम पर जो है खाना नहीं मिल पा रहा और वह बहुत ही परेशान है, उस लोगों की मदद करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर उसकी एक बात आप पर लग गई, एक आशीर्वाद आपके ऊपर लग गई, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप जन्मों तक अमीर बने रहेंगे, तो गरीब लोगों की मदद करिए। यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और आप अपने ऊपर समय नहीं दे पाते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करना आप लोगों को बहुत पसंद होता है। आप रिलेशन से या फिर अपने रिश्तेदारों को खुश करना आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले लोग कुछ अलग तरह के होते हैं। ये चाहते हैं कि हमसे कोई नाराज ना रहे, सबको बांध कर रखना चाहते हैं सिंह राशि वाले लोग। दोस्तों, अब आपके जीवन की सच्चाई वो बताएंगे जो आपके साथ या होकर रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य आपका पहले से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जिस तरह स्वास्थ्य आपका पहले बहुत ही गड़बड़ था, तो आप लोगों का इस समय स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस आपके पेट में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं और पेट में दर्द हो सकती है। और दोस्तों, अगर हमेशा के लिए आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप लोग योग व्यायाम करें। ये ज्योतिष शास्त्र बता रहा आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए। उसी के साथ साथ अगर बात करें इनके करियर के बारे में, सिंह राशि वालों के बारे में, तो करियर में आप लोगों को कुछ दिनों के बाद आपका बिजनेस व्यापार आगे निकल कर जाएगा। अगर जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको बस थोड़े ही दिन बचे हैं, उनको नौकरी मिलने वाली है। बस कंपटीशन लेवल को देखते हुए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए ही अच्छा है, और आप इस समय अगर मेहनत कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हम दोस्तों, मैं बता दूं कि सिंह राशि वाले जो है सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें सूर्य की तरह मेहनत भी करना पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगा, वरना सफलता नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहनत अपने लक्ष्य पर करें, अपने काम पर करें, अपने फोकस अपने बिजनेस व्यापार पर करें। दोस्तों, सिंह राशि वाले जितने लोग मेहनती हैं और जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से इन्हें फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है सिंह राशि वालों का, जो तत्व है अग्नि तत्व है, और ये जो है सूर्य के तरह चमकना चाहते हैं और सूर्य जो है इनके स्वामी होते हैं। अगर सूर्य इनके स्वामी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके स्वामी सूर्य है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, नौकरी जरूर मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे, जिस क्षेत्र में आप सफलता के लिए मेहनत करेंगे, उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है आप लोगों को, अन्य राशियों के बदौलत आपके राशि पे थोड़ा सा वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो तत्व है, आपके राशि के जो तत्व है वो है अग्नि। अग्नि समझते हो, अग्नि की तरह तपना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप जाकर आप सफलता पाएंगे। अग्नि तत्व है तो अग्नि की तरह चमकना और तपना आपका धर्म है। उसी के साथ साथ सूर्य भगवान आपके स्वामी हैं, सूर्य आपके घर में है, सूर्य आपके रक्षक हैं, तो आप लोगों को किसी क्षेत्र में असफलता नहीं होगी। काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं और वो नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार पर कोई गलत नज़र हो या फिर कोई गलत काम हो। वो चाहेंगे कि अपने परिवार को हमेशा खुश करके रखें और खुश रहें। तो आप लोग मेहनत जरूर करें,
अग्नि राशि है, अग्नि तत्व है आपका, तो अग्नि की तरह आपको तपना पड़ेगा तब आपको नौकरी मिलेगी, आपको करियर में आगे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये गुण होते हैं सिंह राशि वालों के। उसी के साथ साथ सिंह राशि वालों की बहुत बड़ी गुण है ये इनको जो है थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है, पर कंट्रोल भी बहुत ही ज्यादा आता है। अगर गुस्सा बहुत ही जल्दी हो जाते हैं तो कंट्रोल भी बहुत ही जल्दी कर लेते हैं और उस गुस्से को भुला भी देते हैं। लेकिन लेकिन अगर इनके साथ कोई गलत तरीके से मजाक करता है और गलत तरीके से इनको यूज करना चाहता है तो ये उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं और उसको नजरों से गिरा देते हैं। अगर एक बार इनके नजरों से कोई गिर गया तो दोबारा उस लेवल पर नहीं जा सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाली लड़कियां कुछ अलग ही लेवल की होती हैं, अलग ही दिमाग की होती हैं, तो इनसे लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि इनसे प्रेम करना है आप लोगों को। प्यार की भूखी होती है सिंह राशि वाली, अगर इज्जत दोगी तो आपको इज्जत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। इज्जत की भूखी है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अलविदा लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।